तू भी ना किस अनपढ़ नूं अपनी पत्नी बना के ले आया। ए एक कारपोरेट पार्टी है ते उस विच मनी इस तरह जावेगी, मेरा ता नक वड्या जावेगा। लोग कहणगे नूं नालों सस ज्यादा मॉडर्न लग रही है, जग्गी इस नूं कोई मॉडर्न ड्रेस दवा के लेके आ, रहण दा सलीका सिखा इस नूं। इस तरह ता ए इस घर विच नहीं रह सकदी। परम ने अपनी नूं मनी नूं वेख के मूंह बणाउंदे कहा, मम्मी मनी इन्नी सोहणी तां लग रही है, सादगी तां औरतां दा असली गहना हुंदा है, मैनूं तां इस नूं नाल ले जाण विच कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होवेगी। अपने बेटे जग्गी दा जवाब सुन के परम चुप कर गई। जदों पति अपनी पत्नी दा पक्ष पूरे तां फिर किसी की हिम्मत नहीं हुंदी बोलण दी। परम मन ही मन बोलण लगी कि मेरी एक ना मनी जग्गी ने इस गवार नाल व्याह करवा लिया, शर्मा जी दी बेटी पिंकी नाल व्याह करवाया हुंदा तां किन्ना चंगा हुंदा, ओ साडे नाल उठण बैठण दे लायक सी, इस मनी नूं तां नाल ले जांदे वी शर्म आउंदी है। हुण अपनी छोटे बेटे दा पिंकी नाल व्याह करांगी। जग्गी मनी नाल पार्टी विच पहुंचिया तां सब ने मनी दी तारीफ कीती, पर परम नूं मनी दी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही सी। पार्टी चल रही सी, पिंकी भी अपने परिवार नाल पार्टी विच आई। पिंकी दे परिवार नाल सलाह करके परम ने अपने छोटे बेटे मंगत ते पिंकी दी मंगनी दा ऐलान कर दिता। घर आ के मंगत ने कहा कि मम्मी मैं पहला पिंकी नूं चंगी तरह जाण तां लैंदा, इन्नी जल्दी मंगनी दी की लोड़ सी। परम कहण लगी कि मैं नहीं चाहती कि जग्गी दी तरह तू भी किसी गवार कुड़ी नूं पसंद करें, मैनू मेरे स्टेटस दे बराबर दी कुड़ी चाहीदी है जो मेरे नाल उठण बैठण दे लायक होवे। मंगत अपनी माँ दे खिलाफ नहीं जांदा सी, इसलिए चुप हो गया। परम हर गल ते मनी नूं नीचा दिखाउण दी कोशिश करदी, कदे उसदे बनाए खाने विच नुक्स कढ़दी, कदे उसदे पहरावे बारे बोलदी रहिंदी। परम ने पति दे बाद सारा कारोबार संभाल लिया सी। ओ आप तां काम विच व्यस्त रहिंदी सी, रसोई सिर्फ नौकर ही वेखदे सन। जग्गी दे विआह तों बाद हुण मनी ने सब संभाल लिया सी, पर परम ने मन तों उसनूं अपनी नूं नहीं मन्निया सी। पिंकी ते मंगत दा विआह कर दित्ता गया। परम उसनूं अपनी नूं बना के बहुत खुश सी। एक दिन सवेरे पिंकी 9 बजे तक ना उठी, मंगत ने कम ते जाना सी। मनी ने सब लई नाश्ता बना दिता। परम ने पिंकी नूं उठाना चाहिया तां ओह गुस्से विच बोली, मम्मी तुसी मेरे तों की कराउणा है, मेरे पापा ने दाज विच बहुत पैसा दिता है, एक होर नौकर रख लवो। हुण तां परम भी मनी दे हाथ दे खाने दा पूरा स्वाद लैके खांदी। ओह मन ही मन मनी नूं पसंद करन लगी सी। मनी सब दा ख्याल रखदी, पर पिंकी नूं तां किसे नाल कोई मतलब ही नहीं सी। एक दिन मनी अपने पेके चली गई क्योंकि उसदे पापा दी तबीयत खराब सी। उसदे मगरों परम दा एक्सीडेंट हो गया ते ओह मंजे ते पै गई। अगली सवेर नाश्ते दा समा होया तां पिंकी ने सब नूं ब्रैड ते जैम दे दिता, पर परम नूं एहसास होया कि उसने मनी दी कदर ना कीती, इस लई हुण पिंकी उसदी कदर नहीं करती। 2 दिन खाना बाहर तों आया जिसदी सब ने आदत छड़ दित्ती सी। परम दी दवाई दा समा होया तां पिंकी ने आवाज़ लगाउण ते अणसुणी कर दित्ती। परम नूं बहुत बुरा लग्गिया। अगली सवेर पिंकी मंगत नूं लै के पेके चली गई तां कि सस दी सेवा ना करनी पवे। उधर जदों मनी नूं पता लग्गिया कि उसदी सस दा एक्सीडेंट हो गया है तां ओह अपने ससुराल वापस आ गई। जग्गी कहण लग्गिया कि तूं अपने पापा नूं छड्ड के मेरी माँ दी सेवा करन आ गई। जग्गी, पापा पहलां तों ठीक हन, उन्हां दी सेवा लई मेरियां भैणां उत्थे हन, पर इत्थे मम्मी इकल्ली सी। तुसी दोनों भरा तां कम्म ते चले जांदे हो, हुण ओह मेरी वी माँ है। इह सब सुण के परम दा मन भर आया। जिस नूं दा उसने इन्ना अपमान कीता, उसदे कीते हर कम्म विच कमी कढ़ी, दिन रात ताने दित्ते, अज ओही मेरी सेवा करन लई भज्जी आई।
ਪਰ ਮਨੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਨੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।